जिले के नगर पंचायत देवकर क्षेत्र के बासिन बुधवारा नर्सरी जंगल के पास हजारों की तादाद में फलदार व इमारती वृक्षों के बीच एक करण प्रजाति के पेड़ से फुहारा रूपी पानी आने से माहौल कौतूहल का बना हुआ है। गौरतलब है कि देवी देवताओं के नाम से पहचाने वाले नगर, जो पहले देवनगर के नाम से जाने जाते थे, अब नगर का नाम बदलकर देवकर रख दिया गया है। वहीं बीते 15 वर्ष पहले यहां नाग नागिन का जोड़ा देखा गया था। उस वक्त के दौर में यहां भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता रहा था। अब ये लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है, या फिर प्रकृति की देन कहें। नगर सहित आसपास के ग्रामीण इस पेड़ को देखने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। हमने आज नगर पंचायत स्थित नर्सरी है वहाँ सैकड़ों के मात्रा में पेड़ है। उस पेड़ के बीच में एक ऐसा पेड़ है जिससे लगातार पानी का सेवन होते जा रहा है फवारे के रूप में, और निरंतर बहता जा रहा है उस पेड़ से। एक ही पेड़ है ऐसा जो हजारों के बीच में। मैं समझता हूँ वहाँ प्रकृति की गोद से क्यों ना है माता गंगा विराजमान हो गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। उससे देवी शक्ति का आस्था जुड़ा है लोगों में, और वो क्षेत्र काफ़ी मशहूर है इस मामले के लिए। मैं समझता हूँ वहाँ आदमी को जाकर एक बार जरूर देखें और स्वयं जाकर एहसास किया। मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही है सब बात बोल रहा हूँ। कौन सा वृक्ष है जो वृक्ष है उसका नाम क्या है? वृक्ष है करण पेड़ का नाम का पेड़ है करण का। वो निरंतर उसमें पानी का श्रवण होते जा रहे हैं। हम लोग खड़े थे वहाँ, हम लोगों को पूरा शरीर चेहरे में पूरा पानी भीग गए थे, और वहाँ जाने के बाद एकदम ठंड से महसूस हो रहा है। विगत दो दिनों से अनवरत पानी की फवारा टाइप में रिझ रहा है। ये हमको समझ भी नहीं आ रहा है कि देवी शक्ति है या कुछ और है। इसको हमारे नगर पंचायत के एक आबिद कुरैसी करके है, वो रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक में आता है, तो वही उसी के माध्यम से देखा गया है। तो उसी के माध्यम से जब बतलाया गया तो हम लोग देखने आए, तो हम लोग को खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बहरहाल क्षेत्र स्थित ये पेड़ लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए देवघर से लारा सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।